हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू वेरीफाई डोमेन ओनरशिप इन गूगल वेबमास्टर टूल। दोस्तों, इस चीज़ के लिए आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो एक आपके पास डोमेन रहना चाहिए, आपके पास एक जीमेल का आईडी जिसके ऊपर गूगल सर्च कंसोल या वेबमास्टर टूल एक्टिवेटेड रहना चाहिए। अगर नहीं है तो वो बहुत स्टेप इजी है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और साथ ही साथ आपका एक cPanel का अकाउंट जिसके थ्रू आप आपकी वेबसाइट को वेरीफाई कराएंगे गूगल में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये है search.google.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको गूगल सर्च कंसोल आ जाएगा। लेफ्ट साइड टॉप पर यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई देगी जिसमें मेरा डोमेन दिखा रहा है एग्जिस्टिंग। यहाँ पर मैं एक न्यू डोमेन को ऐड करूँगा ताकि आप सीख सकें कि किस तरह से डोमेन को ऐड किया जाता है। देखिए, आप लास्ट में देख रहे होंगे ऐड ए प्रॉपर्टी प्लस सिंबल के साथ में दिखा रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देता है, डोमेन जो कि ये न्यू ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर क्राइटेरिया पूछा हुआ है ऑल URL अक्रॉस ऑल सब डोमेन लाइक मोबाइल के लिए या फिर www. के लिए। इस सारी प्रॉपर्टी को ऐड कर लेता है, ऑल URL अक्रॉस HTTP और HTTPS। अगर आपको नहीं पता है कि आपका URL में HTTPS है या नहीं है, तभी ये आपको यहाँ से सिंगल पॉइंट पर आपको ऐड करा देगा। रिक्वेस्ट DNS वेरिफिकेशन, इनको रिक्वायर्ड होता है कि ये DNS से ही वेरीफाई होता है, तभी जाकर ये प्रॉपर्टी एक्टिवेट होती है। अगर आपको इसको नहीं करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपका डोमेन नेम डालिए विद HTTPS या फिर विदाउट HTTPS, जो भी आपका URL रहेगा, तो ये सिंगल URL को वेरीफाई कराएगा। दोस्तों, अगर आप SEO या फिर डिजिटल मार्केटिंग में आपका डोमेन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको फर्स्ट वाले ऑप्शन के थ्रू सेलेक्ट करिए। जिस तरह से आप ऊपर के आइकॉन पर देख रहे होंगे, ये पेरेंट आइकॉन जो है वो सिलेक्टेड है, और उसके बाद जितने भी आपके सब डोमेन्स या फिर HTTP विदाउट HTTPS वो सारे प्रॉपर्टी यहाँ से वेरीफाई हो जाते हैं सिंगल पॉइंट से। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट ही बनता है। सो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा डोमेन नेम से। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया tutorialcard.com। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देगा, फर्स्ट ऑप्शन देता है इंस्ट्रक्शन फॉर DNS प्रोवाइडर। तो आपको यहाँ से कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर कुछ रिप्यूटेड प्रोवाइडर हैं जो कि डोमेन प्रोवाइड करते हैं, लाइक gandhi.net, godaddy.net और बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। तो आपको यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिया है स्टेप्स, साइन इन योर डोमेन नेम प्रोवाइडर लाइक GoDaddy, नेमचीप और एनी अदर, एंड कॉपी दिस टैक्स रिकॉर्ड। और ये आपको यहाँ से करना है कॉपी, आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको क्लिपबोर्ड पे ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, नहीं तो आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए। उसके बाद करना है, आपको जाना है आपके cPanel में। तो देखिए, ये मेरा cPanel ऑलरेडी खुला हुआ है, यहाँ पर जोन एडिटर है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ये cPanel का आपका होम पेज है, ऊपर एक सर्च बॉक्स दिया है, यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए DNS, तो आपको डोमेन्स के अंदर सेक्शन के अंदर ये जोन एडिटर मिल जाएगा। सो DNS जोन एडिटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये न्यू पेज में ओपन होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, बट आपको ट्यूटोरियल कार्ड से आपका डोमेन देखना है। इसमें ऐड रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आता है, और नहीं तो यहाँ पर मैनेज रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप मैनेज पर क्लिक करिए। मैनेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हमें सारे रिकॉर्ड्स के छोड़कर ऊपर टॉप पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आता है, यहाँ पर ये ऑप्शन ब्लू कलर का बटन, हमें टेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे आपको पहला फील्ड दिखाई देगा नेम के अंदर, तो यहाँ पर आप आपका डोमेन नेम टाइप कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन आता है TTL टाइम टू लीव, तो इसको आप मिनिमम दे दीजिए ताकि आपका वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो। और जो ये रिकॉर्ड टाइप है तो इसमें आपका होता है टेक्स्ट, आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है, और जो भी आपने यहाँ पर कॉपी किया था वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो ये गूगल साइट वेरिफिकेशन का कोड हमने कॉपी किया था,
इसको हम ऐड रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे ही आप ये ऐड रिकॉर्ड करेंगे, ऊपर आपको सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा ग्रीन कलर में, और आप इसको स्क्रॉल करके लास्ट में देख भी सकते हैं कि ये आपका सक्सेसफुल ऐड हो गया। जैसे ये सक्सेसफुल ऐड हो जाता है, अब आपको आ जाना है वापस से वेरिफिकेशन डोमेन ओनरशिप बायर डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है बटन वेरीफाई। आप जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे, गूगल ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई करने जाएगा। बट क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, तो इमिडिएटली वो रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट नहीं होता और गूगल उसको रीड नहीं कर पाता। तो आपको 1 से 2 मिनट तक रुकना रहेगा, और रुकने के बाद आपको इस पर ओके पे क्लिक कर देना है एंड अगेन वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो देखिए सेकेंड टाइम पे ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, और इसके बाद आपको चले जाना है गो टू प्रॉपर्टी पर। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा फेविकॉन इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, और ये जो मेरा डोमेन है वहाँ पर शो होने लगा। मोस्टली अगर आप कोई एक्सपायर्ड डोमेन लिया होगा, आपने जो रिसेंटली एक्सपायर्ड हुआ है, तो उस पर कितने विजिट्स आए हैं, कितने व्यूज आए हैं, वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा देगा। तो दोस्तों ये है हमारा वीडियो कि हाउ टू वेरीफाई डोमेन ओनरशिप वाया डीएनएस रिकॉर्ड, और इसी के थ्रू आप आपके डोमेन का पूरा परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं गूगल वेबमास्टर टूल्स में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको डेफिनेटली आपको शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।